नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं नंदिनी प्रिया। उत्तर बिहार के प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में अज्ञात वाहन की ठोकर से एक साइकिल सवार व्यक्ति की हुई मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्वी चंपारण के चिरैया पुलिस ने की कार्रवाई, फ्रिज लदे ट्रक में छिपा कर ले जा रहे 365 कार्टन विदेशी शराब से तीन तस्कर को किया गिरफ्तार। शेखपुरा पुलिस ने 10 लीटर देसी शराब के साथ एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार और भेजा जेल। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया पुलिस ने की कार्रवाई, दो पियकर सहित न्यायालय के दो वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पटीदारों से जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, नरकटियागंज बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा की दबंगई आई सामने। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में अज्ञात वाहन की ठोकर से एक साइकिल सवार व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक की पहचान बैरिया निवासी जुमराती मियां का पुत्र नारायण मियां के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने बताया कि गश्ती के दौरान दुर्घटना की खबर मिली। आनन फानन में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उससे पहले घायल व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। समाचार प्रस्तुत किए जाने तक पोस्टमार्टम हेतु भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी शराब तस्कर अलग अलग तरीकों से शराब का काला धंधा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस उनके मंसूबों पर पानी फेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ताजा मामला चिरैया थाना क्षेत्र के मुतनाजे गांव का है, जहां गुरुवार की देर रात विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। केंद्रीय उत्पाद विभाग की टीम एवं स्थानीय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर फ्रिज लदे ट्रक के बीच से लगभग 365 कार्टन विदेशी शराब की खेप बरामद की है। थानाध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि दीपही धरारवा पंचायत के मुतनाजे गांव के सरे में एक बड़े ट्रक से शराब को उतारा जा रहा है और लगभग 150 कार्टन अंग्रेजी शराब पिकअप पर लोड हो चुका था, जिसे अन्यत्र भेजने की तैयारी थी। पुलिस के पहुंचते ही काफी अफरा तफरी मच गई। शराब तस्कर भागने लगे, जिसे पुलिस दौड़कर पकड़ने में सफल रही। इस बीच ट्रक एवं पिकअप को पुलिस ने जब्त कर थाने ले आई। मौके से शराब तस्कर गवंदरी गाँव निवासी श्री नारायण शाह, झोराम गाँव निवासी राजेश कुमार सिंह एवं जोलगावा निवासी आलोक कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे अग्रेतर कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वही ट्रक एवं पिकअप का ड्राइवर भागने में सफल रहा। छापेमारी अभियान का नेतृत्व केंद्रीय उत्पाद विभाग के सहायक अवर निरीक्षक आरके शर्मा, चिरैया थाना अध्यक्ष विनय कुमार एवं ढाका थाना अध्यक्ष अभय कुमार की संयुक्त टीम ने की। कल रात विशेष सूचना पर ALTF की टीम को निर्देशित किया गया था। चिरैया के महादीपुरा गाँव में एक कंटेनर जो की फ्रिज से भरा हुआ था, फ्रिज के बीच में शराब की 367 कार्टन बरामद किए गए हैं, जिसमें कि 3241 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है। इस सिलसिले में एक कंटेनर और एक पिकअप को जब्त किया गया है। तीन अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें आगे और पीछे के लिंक को खंगाला जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब आई कहां से और किसके पास जानी थी, और इसमें जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुंशी सिंह महाविद्यालय के सभागार में श्रीमती पार्वती देवी खेतान स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत कवि सम्मेलन सह मुशायरा एवं विशेष सम्मान कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सह सांसद राधामोहन सिंह, बिहार सरकार के गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार, सुप्रसिद्ध लोक गायिका एवं सदस्य केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर में विभिन्न क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष शरण, प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन, मोतिहारी के पर्यावरण चंपा अभियान और गौरव संरक्षण हेतु KBC विजेता सुशील कुमार सहित अन्य सम्मानित किए गए। यहां मौजूद अतिथियों ने खेतान परिवार से जुड़े सभी यादों को साझा किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सांसद राधामोहन सिंह ने भी खेतान परिवार से जुड़े अपने स्मरण को याद करते हुए इस आयोजन को लेकर शुभकामनाएं दी। जिला जल और स्वच्छता समिति के अध्यक्ष सह पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शिष्यत कपिल अशोक की अध्यक्षता में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित जिला जल एवं स्वच्छ समिति की जिला एवं प्रखंड स्तरीय प्राधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के क्रम में बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नवाचार तकनीक अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधक हेतु सुखेत मॉडल के अनुरूप डंपिंग मॉडल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सूक्त लीज फीट का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी मनरेगा PO को निर्देश देते हुए कहा कि अमृत सरोवर का गुणवत्तापूर्ण तेजी से
कार्य प्रगति सुनिश्चित की जाए। इस सरोवर में मछली पालन में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि किन्नर समुदाय दिव्यांग ग्रुप एवं कुष्ठ रोगियों के लिए एक एक तालाब मुहैया कराया जाए ताकि उन्हें समाज में मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। गार्जियंस ऑफ चंपारण पुराने वृक्ष से संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सभी प्रखंड विकास प्राधिकारी को निर्देश दिया जाए कि मुखिया के साथ समन्वय स्थापित कर पुराने वृक्षों सुरक्षा हेतु मिट्टीकरण, गोद भराई, रक्षा बंधन, पानी की व्यवस्था जैसे कार्य सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा द्वारा जिले भर में 7 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा आए दिन शराबियों और कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें गिरफ्तार कर हवालात का रास्ता दिखा रही है। बावजूद कारोबारी और नशेड़ी अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी क्रम में शिकारपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के सीतापुर बलुआ में शराब कारोबारियों के विरुद्ध छापेमारी की है। पुलिस की इस कार्रवाई में 10 लीटर देसी शराब के साथ एक महिला धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार महिला सीतापुर बलुआ निवासी नगीना देवी है। इस संदर्भ में शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार महिला के विरुद्ध बिहार मद निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 पियक्कड़ सहित न्यायालय के 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बिहार मद निषेध उत्पाद अधिनियम के प्राथमिकी अभियुक्त बकरिया मुसर टोली वार्ड नंबर 2 निवासी नथनी माझी के पुत्र राजू माझी तथा स्वर्गीय रामजी माझी के पुत्र विनोद माझी को 1 लीटर शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने दी। उन्होंने बताया कि न्यायालय के वारंटी बसरा भेड़ियाड़ी टोला निवासी दसई राम के पुत्र श्यामलाल राम और श्यामलाल राम के पुत्र विजय राम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि विशेष समकालीन अभियान के तहत की गई छापेमारी दल में एएसआई संजय कुमार दल बल के साथ शामिल थे। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है जहां सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नरकटियागंज बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा की दबंगई देखी जा रही है। पटीदारों से संपत्ति विवाद के दौरान की ये वीडियो बताई जा रही है। हालांकि एसटीवी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि विधायक और उसके पटीदारों में संपत्ति को लेकर पुरानी विवाद चलता है। अभी बगीचे में आम और लीची तोड़ने को लेकर यह विवाद हुआ, जहां की वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। इस संबंध में हमने विधायक रश्मि वर्मा को पक्ष के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन खबर प्रस्तुत किए जाने तक संपर्क नहीं हो सका है। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र के रुवारी गांव में पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद को लेकर सुलझाने का एक पक्ष के एक युवक को दूसरे पक्ष ने लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। परिजनों ने जख्मी हालत में धीरज कुमार चौहान को आनंद फानंद में अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। इलाज कर रहे चिकित्सकों ने सिर पर गंभीर चोट लगने की बात बताई। हालांकि युवक की स्थिति फिलहाल ठीक बताई जा रही है। वही घायल युवक ने बेचू चौधरी, शिवजी चौधरी समेत 4 लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घर के लोग का मार दिला तो गोलियां छोड़ावे खातिर तीन गोला मार दिला सन लाठी से कपार और गिर गोलियां ऊपर बाद में देखी जाना जे कहां बाद में कहां काहे झगड़ा भइल झगड़ा भर लेते से गाछ काट दे बोल पूरा हमार लीची के गाछ हर लग लीची या बसिया काट के बिके देला के कट ले पर और गांव कर लो एगो रोलो माने को बेचू चौधरी आई वो शिवजी चौधरी हरिंदर पटेल और रेखा चौधरी कोची से मतलब हो लाठी से को आदमी रहलो 4 आदमी। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत डुमरी पंचायत के मुखिया पति संतोष यादव को शादी समारोह में भोज खाना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि वे बकरिया पंचायत स्थित एक शादी समारोह के भोज खाने गए थे। मिली जानकारी के मुताबिक भोजन के बाद जब वो अपने बाइक के पास गए तो बाइक गायब था। काफी खोजबीन के बाद भी बाइक नहीं मिलने पर उन्होंने मझौलिया थाना में एक आवेदन दिया और अपनी बाइक चोरी हो जाने की बात कही। थानाध्यक्ष से बाइक बरामद करने की गुहार लगाई। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने बताया कि आवेदन के आलोक में अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। बिहार विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने के बाद आज सुगौली नगर के मुख्य बाजार स्थित उत्सव कुंज में एमएलसी महेश्वर सिंह का नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसमें प्रखंड के जनप्रतिनिधि सहित जिले के विभिन्न जगहों से कई पार्टी के नेता शामिल रहे। सम्मान समारोह की अध्यक्षता धर्मेंद्र नायक एवं संचालन ठाकुर रामबालक सिंह ने किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने महेश्वर सिंह को बूके, फूल मालाएं
अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान जिला प्रतिनिधि अरुण यादव ने कहा कि महेश्वर सिंह को जिले के MLC के रूप में चुना जाना हमारे जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि उनका कुशल नेतृत्व अनुभव हमारे जिले वासियों के लिए हितकारी साबित होगा। कांग्रेस नेता शैलेंद्र सिंह ने रघुनाथपुर को प्रखंड एवं सुगौली का अनुमंडल बनाने की मांग की। वहीं महेश्वर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि वे जनप्रतिनिधियों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। कहा कि पंचायत के जनप्रतिनिधियों को मनरेगा मजदूर से भी कम सैलरी मिलता है, उन्हें सम्मानजनक मेहनताना मिलना चाहिए। इस दौरान प्रेस क्लब सुगौली ने भी MLC का अभिनंदन किया। मोतिहारी सदर प्रखंड के उत्तरी ढेका स्थित बतरौलिया चौक पर सुपर 50 शैक्षणिक संस्था की एक नई इकाई पहली उड़ान नामक स्कूल का शुभारंभ हुआ। इस उद्घाटन समारोह में पकड़ीदयाल के SDO रविरंजन कुमार और जाने माने मोटिवेटर इंजीनियर मुन्ना कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान पहली उड़ान के संस्थापक आजाद सर ने बताया कि पहली उड़ान छोटे बच्चे के शिक्षा रूपी नींव को मजबूत करने हेतु एक बेहतरीन कार्य योजना के साथ काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SDO रविरंजन कुमार ने बताया कि शैक्षणिक संस्था समाज के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगी और इसके लिए समाज के लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित किया। वहीं इंजीनियर मुन्ना ने मोटिवेशनल अंदाज में बच्चे को प्रेरित किया। मौके पर उत्तरी ढेका के मुखिया परी जयराम प्रसाद सहित कई लोग मौजूद थे। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बखरिया से थरेसरी चौक तक सड़क की स्थिति दयनीय हो चुकी है। लोगों को इस पथ पर आवाजाही करने में काफी परेशानी हो रही है। जगह जगह गड्ढे हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में सड़क के गड्ढों में पानी भर जाता है। इसकी वजह से इस सड़क में गुजरने वाले को काफी परेशानी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए कई बार गुहार लगाई, आश्वासन भी मिला, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं आई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जर्जर सड़क को लेकर किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं दिखाई जाने की वजह से सड़क की हालत दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है। जर्जर सड़क के कारण लोगों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से उक्त सड़कों के जीर्णोद्धार की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस जर्जर सड़क की स्थिति की जानकारी डिप्टी CM रेणु देवी और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल से कई बार कर चुके। इतना ना भाई जी, रोड में गाड़ी घोड़ा जाता तो फंस जाता है, कोनो के चाका टूट जाता है, कोनो के दूरा टूट जाता है, कोई तरह के समस्या बा, पैदल भी गई मुश्किल बा, गाड़ी घोड़ा तो जाते नहीं के फंस जाता। हम 10 बेर विधायक से रेणु देवी से हम कौ बेर कह चुकनी, संजय जायसवाल से भी कहनी, ये रोड पर कोई ध्यान नहीं। आदम गाड़ी घोड़ा आवता, कभी पलट जला, कभी धूरा टूट जला, कभी चक्का भ्रष्ट कर जला, कोई अगर देख रेख करे वाला कोई नहीं। मैं अपना सब अपने फसला के माटी भरवावल बा, राबिस गिरवावल बा, रोड में पानी लग जला, रोड रास्ता बनो जला। अच्छा तो यह बजे रोड कंडम हो चुकल बा, खराब हो चुकल बा, एक में गाड़ी घोड़ा जाए में दिक्कत बा, ट्रक फंस जाता, छोटका गाड़ी फंस जाता, साइकिल वाला के मोटरसाइकिल के जाए में बहुत प्रबंध बा, ज़्यादा कठिनाई होता। मांग करता जो रोड के मरम्मत करा दिया जाए। रेणु देवी आए रही थे रोड के देखो के गई, तो आज तक ले कोई अगर सूचना ना मिलल ना बन सकल आज तक ले। कि बरसात में रोड बंद हो जाता है, पानी 3 फीट 2.5 फीट चल रहा है, बह रहा है। यहाँ की इधर का जितना आम जनता है उन लोग का तबीयत, बच्चे का चाहे जनानी का चाहे जेंट्स का तबीयत खराब होता है, ले जाने में असमर्थ रहते हैं। कोई सवारी नहीं जाता है, मोटरसाइकिल नहीं जाता है, सब लोग पैदल में इतना 2 फीट 3 फीट पानी हेल कर जाता है आता है। आई रोड पूरा ही जलजल हो चुका है और हम लोग कई बार अपने विधायक से रिपीट किए कि इस रूट की मरम्मती करा दिया जाए, अभी तक ले कोई इसी का सूचना नहीं मिला, नहीं हो रहा है। बिहार के श्रमायुक्त के निर्देश के आलोक में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के पूर्व बाल श्रम के विरुद्ध जन जागरूकता एवं चेतना जागृत करने हेतु अभियान की शुरुआत की गई। प्रथम स्तर पर आम जनमानस में बाल श्रम को समाज की एक कुरीति के रूप में प्रचारित करने हेतु श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा आज विशेष धावा दल के माध्यम से पूर्वी चंपारण जिले के सभी प्रखंडों में जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। जानकारी के मुताबिक श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा इस कार्य हेतु 3 टीम का गठन किया गया। इस कड़ी में संयुक्त श्रम भवन पूर्वी चंपारण मोतिहारी से श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में सहायक निर्देशक बाल श्रम इकाई ममता झा एवं जिला समादेष्टा होमगार्ड डॉक्टर अशोक कुमार प्रसाद के साथ बाल श्रम के विरुद्ध प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता हेतु धावा दल टीम 1 के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज का यह जन जागरूकता अभियान विशेष धावा दल टीम के साथ समरनाले गेट तथा कचहरी चौक होते हुए बलुआ चौक से जानपुल चौक तक पूरे मोतिहारी शहर में चलाया गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा जिले के सभी दुकानों प्रतिष्ठानों के नियोजकों से अपने परिसर में किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु अपील की गई।
श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों को बख्शा नहीं जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इस टीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो इस टीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए इस टीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर इस टीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल इस टीवी न्यूज सच की आवाज। नमस्कार।